Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 45th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 44 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में. इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. ओके, ये हमारा टावर है ए बी, ये हमारा टावर है. The angle of elevation of the top of a tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the tower and in the same straight line are complementary. इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है टावर का, ये 4 मीटर है और ये जो एंगल है ये थीटा है. सिमिलरली ये जो एंगल है, ये जो डिस्टेंस है बड़ा वाला, ये 9 मीटर है और ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है. ओके, क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स. ये जो दो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट सी और इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट डी. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पॉइंट्स इज पॉइंट सी एंड डी विच आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. यानी कि ये जो हाइट है ए बी का, इसको मैं एच बोल देता हूँ. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में टैन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4. ये हमारा इक्वेशन 1 है. ओके, सिमिलरली ट्रायंगल ए बी डी में टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9. ये हमारा इक्वेशन 2 है. ठीक है, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो टैन थीटा पहले ट्राइंगल में एच अपॉन 4 और दूसरे ट्राइंगल में एच अपॉन 9. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, मल्टीप्लाई 1 एंड 2. व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 एंड 2 व्हाट यू गेट ऑन द एलएचएस, आपको मिलेगा टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9. तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा को मैं टैन थीटा लिख रहा हूँ, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और ये हो जाता है एच स्क्वायर अपॉन 36. अब देखिए टैन थीटा और कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. यहाँ से मिल जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और अगर इस दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर दूँ तो एच हो जाएगा 6 के बराबर. ओके, एच हो जाएगा 6 के बराबर और यही हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. आई होप यू फाउंड द सॉल्यूशन यूजफुल. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. इन केस यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस फॉर यू, डू पुट डाउन योर क्वेरीज एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड. चीयर्स एंड गॉड ब्लेस.